कड़वी दवा दीजिए। जिस समय वैद्य बच्चे को कड़वी दवा पिलाता है, उस क्षण बच्चे को लगता है माँ मेरी शत्रु है कि मुझे ये कड़वा घूंट पिला रही है। लेकिन माँ जानती है मैं उसका कि मैं शत्रु नहीं, मैं इसकी परम हितैषी हूँ। अगर ये कड़वा घूंट इसके भीतर उतर गया तो ये अपनी इस व्याधि से मुक्त हो जाएगा। बताओ आत्मदेव, क्या उस सांसारिक माँ के द्वारा किया गया लिया गया निर्णय क्या गलत है? दिव्य ज्योति जागृति संस्थान के द्वारा यहाँ पर श्रीमद् भागवत कथा ज्ञान यज्ञ आयोजित किया गया रेवाड़ी शहर में, हिंदू सीनियर सेकेंडरी स्कूल मॉडल टाउन में। और आज इसका अंतिम दिवस है, 6 दिन की कथा हो चुकी है। बहुत ही भव्य विलक्षण ये कार्यक्रम रहा और पूरे रेवाड़ी निवासियों ने इसका बहुत आनंद लिया कथा का, और इस कार्यक्रम को सराहा। और सभी का यही विचार था, सभी ने अप्रिशिएट किया कि ऐसी विलक्षण कथा आज तक रेवाड़ी क्षेत्र में नहीं हुई। पहली बार इतना भव्य, इतना बड़ा विशाल भागवत कथा यहाँ पर आयोजित की गई, जिसमें साध्वी आस्था भारती जी ने अपनी अमृतमयी वाणी में भगवत पिपासुओं को श्रीमद् भागवत कथा का प्रस्पान कराया, और जिसका आज अंतिम दिवस है। इसलिए हम सभी दिव्य ज्योति जागृति संस्थान की तरफ से सभी क्षेत्र निवासियों को, सभी रेवाड़ी निवासियों को इस अंतिम दिवस में आमंत्रित करते हैं, इसका आनंद लें और उस कथा का लाभ लें, पुण्य लाभ लें। और इस एक मौका है आपके पास। इस कार्यक्रम का उद्देश्य था कि श्रीमद् भागवत महापुराण और अन्य शास्त्रों का सही अर्थ समाज के समक्ष रखना, रेवाड़ी निवासियों के समक्ष रखना। और जो शास्त्रों में ब्रह्म ज्ञान की बात की गई है, ब्रह्म ज्ञान अर्थात भगवान का प्रत्यक्ष दर्शन साक्षात्कार, वो कराना। और बहुत सारे भाग्यशाली यहाँ के भाइयों बहनों माताओं बुजुर्गों ने इस ज्ञान को प्राप्त भी किया, 2 बार आज भी यह ज्ञान दिया गया।